नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसी कंपनी की जो आप कह सकते हैं उन चुनिंदा कंपनियों में से एक है, उनके मालिक हैं इस कंपनी के, जिसपे बहुत ज़्यादा हमें प्राउड फील होता है। लेकिन अभी इस कंपनी के ऊपर जो आरोप लगे हैं और RBI द्वारा जो एक्शन लिया गया है, ये एक बहुत बड़ा झटका है सिर्फ इसी कंपनी के लिए नहीं, तमाम फिनेंस सर्विसर कंपनी के लिए कि किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है कस्टमर्स को। और RBI ने एक बहुत ही, मैं कहूँगा, अच्छा डिसीजन लिया है, जिसके बाद स्टॉक अगर आज आप देखेंगे तो 11% से भी ज़्यादा की बड़ी गिरावट दिखा रहा है और स्टॉक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दोस्तों क्रैश हो चुका है। ठीक है, स्टॉक की एक जो स्टॉक में जो ये आप क्रैश देख रहे हैं, ये बहुत बहुत बड़ा क्रैश है दोस्तों। और ऐसे में आपको ये पता होना चाहिए कि इसके पीछे का रीजन क्या है और क्यों ये गिरावट बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज, आप देखें 11% से ज्यादा की गिरावट हो रही है। ठीक है, मोर देन 11% की आपको यहां गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, इतना ही नहीं दोस्तों, आप देखें तो एक बहुत ज्यादा तगड़ा सपोर्ट जो लगभग 200 रुपए का है उसको ये स्टॉक तोड़ चुका है दोस्तों। ठीक है, और देखिए अब ये 12% की ओर बढ़ रहा है। मैं ये वीडियो लगभग 10:15 बजे बना रहा हूं और यह स्टॉक देखिए कितनी भयंकर गिरावट दिखा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं गिरावट के पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि कोई बहुत ही बड़ा रीजन होगा कि स्टॉक 11-12% गिरावट दिखा रहा है और वही महिंद्रा ग्रुप का। तो देखिए बात बड़ी है, क्या है नाउ, RBI bars Mahindra Finance from using third party recovery agents after Hazaribagh mishap. अब भाई साहब ये Hazaribagh mishap क्या है? Now the company may continue to carry out recovery or repossession activities through its own employees, said the central bank in a statement. कि जो एक घटना हुई थी Hazaribagh की, उसके बाद RBI ने Mahindra को ये कहा है कि भाई अब कोई third party agent, देखिए क्या होता है ना, banks recovery agents hire करते हैं third party से, जो आप कह सकते हैं कि जो लोन लिए रहते हैं, जो पे नहीं कर रहे हैं, उनके पास जाके रिकवरी करते हैं। और देखिए इसमें कोई गलत नहीं मानता मैं, कई बार क्या होता है, लोग जानबूझकर भी लोन पे नहीं कर पाते और कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी कुछ मजबूरियां होती हैं जब वो लोन पे नहीं कर पाते दोस्तों। अब आप आगे चल के मैं आपको बताता हूं, देखिए Now, the RBI on September 22 said M&M Financial Services cannot undertake loan recovery or repossession activity through outsourcing arrangement. ठीक है, until further order, अगले order तक. Now, however, the non-banking finance company may continue to carry out recovery. कि भाई आप अपने employees के through कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी आप outsourcing करके ये काम नहीं कर सकते. Now, the action is based on certain material supervisory concern observed in the M&M Financial. ये जो आपके लिए इतना hard decision इन्होंने लिया है, इसके पीछे का reason ये है कि कुछ material supervisory concern दिखे हैं जिस कारण ये लिया गया है, regard to management of outsourcing activities. ठीक है, अब आप देखिए On September 16, news agency PTI reported that a 27-year-old pregnant woman was allegedly crushed to death under the wheel of a tractor which was forcibly being driven away by a recovery agent of a finance company in Jharkhand, Hazaribagh. इससे ज़्यादा शर्मनाक घटना कुछ भी नहीं हो सकती। मतलब ये मानवता के मुंह में एक तमाचा है दोस्तों। और आप समझिए एक 27 साल की महिला जो कि प्रेग्नेंट है दोस्तों, उसको मतलब आप कह लीजिए क्रश कर दिया गया, यानी कि कुचल दिया गया टू डेथ, मरने दम तक, अंडर द व्हील्स ऑफ ट्रैक्टर विच वाज फोर्सफुली बीइंग ड्रिवन अवे बाय अ रिकवरी एजेंट। सिर्फ पैसों के लिए आपने एक मतलब जो काम किया है, ये अपने आप में बेशर्मी की पराकाष्ठा है दोस्तों। ठीक है, और ये द इंसिडेंट रिपोर्ट अकर्ड ऑन September 15। नाउ subsequent media reports and clarification that Mahindra Group confirmed that the vehicle was indeed financed by Mahindra Finance. Now the loan was passed under the name of the victim's differently abled father as per media reports. ठीक है, अब देखिए इस खबर के लिए आप बोलेंगे कि महिंद्रा की गलती है, मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानता। हाँ,
प्रैक्टिस ये खराब है। अगर इनको पता था तो उन्हें बहुत पहले कार्रवाई करनी चाहिए। और देखिए महिंद्रा फाइनेंस पे ना एक ऐसी चीज है कि प्रॉब्लम रहती है फंडामेंटल। यहाँ पे कुछ समय पहले ही कुछ मैनेजमेंट कंसर्न्स जो हैं वो दूर हुए थे, लेकिन ये अब स्थिति बद से बदतर करेगा। दोस्तों आगे है, आप देखें, नाउ मनी कंट्रोल रिपोर्टेड ऑन सेप्टेंबर 19 दैट सेंट्रल बैंक मे लुक एट इम्पोजिंग प्यूनिटिव फाइनेंस ऑन एमएनएम फाइनेंस फॉर वायलेशन नॉर्म्स ऑन रिक्रूटमेंट ऑफ लोन ऑफिसर एजेंट। नाउ While Mahindra Finance is undertaking a review of appointment of third-party agent for recovery purpose, NBFCs are finding themselves in a tough spot after the RBI's November 12 circular on standardization of assets. देखिए, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि कंपनी की गलती है। आजकल NBFCs, दोस्तों देखिए, लालच जो इंसान की है ना वो ये सब करवा रही है। मुझे लगता है आप सिर्फ छोटी छोटी चीजों के लिए आप लोन लेने लगते हैं और अब आखिरी में आप क्या होता है, आप रिकवरी एजेंट के सामने फंस जाते हैं, ठीक है। और भाई धंधा ऐसे ही चलता है दोस्तों, आपको अच्छा लगे मुझे अच्छा लगे या नहीं, पैसा तमाम चीज़ों की जड़ होती है, बट इन एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस बिजनेस होता है। अगर रिकवरी कम होगी तो बिजनेस होंगे ही ऐसे दोस्तों। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, और ख़राब तो बहुत छोटा वर्ड होता है, एकदम शर्मनाक कर देने वाली है। तो मैं कहूँगा अभी स्टॉक से दूरी रहें, पता नहीं कब चीज़ें हो जाएं, स्टॉक भाग भी सकता है, गिर भी सकता है। तो ऐसी जहाँ क्लैरिटी नहीं रहे, रिटेल निवेशकों को खासकर वहाँ से दूर रहना चाहिए। तो यदि आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है, जय हिंद दोस्तों।